हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्टिस्ट पवन बर्नवाल और आप देख रहे हैं माय चैनल आर्ट मैजिक। ये कहानी है दो पत्थरों की। एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थरों की खोज में जंगल जाने की सोचा। अगले दिन वह मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल के मध्य भाग में पहुंचा, तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़ी सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वह पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों को बक्से से निकाल लिया और उसने उस पत्थर के ऊपर औजारों को ठोक ठोक के मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। यह देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों का बक्सा खोला, औजार निकाले और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक के मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने दर्द को सह लिया और वह मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुआ, तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, यह मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाया जाए, इसके बारे में यहाँ चर्चा चल रहा है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी माँ का सुंदर मूर्ति बनाया है। अगर वह गांव वाले चाहें तो उस देवी माँ की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उस समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल के दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हैं। यह सुनने के बाद गांव वाले जंगल गए और वहां से वह पहला पत्थर भी उठा लाए। उस दिन उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए देवी माँ की मूर्ति की पूजा होने लगी। और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने के दर्द को सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी माँ की मूर्ति को दुखी होकर कहा कि
तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूजा कर रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।